नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आप देख रहे हैं टेक्निकल राही। दोस्तों, बैंक में बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज एफडी के ब्याज से काफी कम होता है, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बिना एफडी करवाए हुए ही आपको आपके बचत खाते पर एक ऐसी सुविधा हो जाए जिससे आपको बचत खाते पर ही एफडी के बराबर ब्याज मिलने लग जाए, तो दोस्तों ऐसी स्कीम के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रत्येक बैंक में एक ऐसी सुविधा होती है जिसमें आप अपने बचत खाते में एक ऐसी जो नई फैसिलिटी है उसको चालू करवा सकते हैं, जिसके बाद आपको बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज की दर अपने जो फिक्स डिपॉजिट है, सावधि जमा है, उसके बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों, बचत खाते पर जो सामान्यतः ब्याज दर मिलती है वो 3-4% के आसपास होती है, जबकि आपकी जो एफडी है उसमें 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल या 5 साल और 10 साल के लिए अलग अलग ब्याज की दर होती है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी फैसिलिटी जो सभी बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं फ्लेक्सी डिपॉजिट। किसी किसी बैंक में उसको मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, MOD भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको इस सुविधा को लेने के बाद आपके बचत खाते में जैसे ही एक निश्चित राशि होगी, मान लो किसी बैंक द्वारा निर्धारित है 5,000 से ज्यादा, दोस्तों जैसे ही आपके बचत खाते की राशि 5,000 से ज्यादा होगी तो उस पैसे की ऑटोमेटिक एफडी बन जाएगी, जिसको फ्लेक्सी डिपॉजिट बोलते हैं, और उस पैसे पर मिलने वाला ब्याज आपको एफडी के बराबर ही मिलेगा। लेकिन खास बात यह है कि एफडी को ब्रेक करने के लिए आपको बैंक में रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, एक फॉर्म भरना पड़ता है, अपनी एफडी जमा करनी पड़ती है, तब आपको एफडी पर आपकी एफडी ब्रेक होती है और आपका जो पैसा है आपके बचत खाते में जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो फ्लेक्सी डिपॉजिट है, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट है, इसमें क्या होता है, मान लो आपके खाते में 50,000 रूपए थे और आपके 5,000 से ज्यादा होने पर जैसे ही आपकी MOD बनी 45,000 रूपए की, तो 45,000 रूपए का तो आपका फ्लेक्सी डिपॉजिट हो गया और 5,000 रूपए आपके बचत खाते में रह गए। लेकिन दोस्तों, मान लो किसी दिन आपको आवश्यकता हुई 25,000 रूपए की, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपके मन में सवाल होगा कि अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि इस पैसे की तो एफडी हो गई है। तो दोस्तों, इसीलिए इसका नाम फ्लेक्सी डिपॉजिट रखा गया है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप ATM पर जाइए, अपना ATM कार्ड लगाइए और आप जितनी भी राशि निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। वो पैसा उस फ्लेक्सी डिपॉजिट से टूटकर आपके बचत खाते से आप विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सामान्य वही प्रोसेस अपनाना है जो आप ATM में पैसा विड्रॉ करते हैं। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको अपना कार्ड लगाना है और अमाउंट एंटर करना है, पैसा डालना है, पैसा जो भी आप चाहेंगे वो बाहर आ जाएगा। आपके खाते में 5,000 रूपए थे लेकिन आपको मान लो 25,000 रूपए चाहिए, तो आपके 20,000 रूपए उस फ्लेक्सी डिपॉजिट से टूटकर आपको मिल जाएंगे, बाकी के रुपए की फ्लेक्सी डिपॉजिट वैसे की वैसी बनी रहेगी। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमको एफडी नहीं करानी पड़ती। एफडी कराने के लिए हमको फॉर्म भरना पड़ता है, फिर एफडी होती है, फिर एफडी ब्रेक करने के लिए भी हमको बैंक में अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों, इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमको किसी भी तरीके का कोई बार बार फॉर्म नहीं भरना, एक बार हमारा कंसेंट फॉर्म भरना होता है, जो आप अपने जो जिस बैंक में भी आपका खाता है वहां जाकर आप फ्लेक्सी डिपॉजिट की सुविधा ले सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भी फ्लेक्सी डिपॉजिट की सुविधा प्रदान की जाती है। अगर आपका खाता SBI में है तो वहां जाकर आप एक एप्लीकेशन देकर या वहां से जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसको भर कर देंगे तो आपके खाते में फ्लेक्सी डिपॉजिट चालू हो जाएगा। फ्लेक्सी डिपॉजिट हर आपको वीकली, मंथली या डेली की सुविधा मिलती है। जैसे ही आपके खाते में थ्रेशोल्ड बैलेंस यानी कि जो बैलेंस बैंक ने तय किया है उस बैलेंस से अधिक होने पर जैसे ही आपका राशि होएगी तो आपके उस राशि का आपको जो फ्लेक्सी डिपॉजिट बन जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही था कि आपको इस बारे में बताऊं कि आप भी बचत खाते पर एफडी जितना ब्याज चाहते हैं तो आप अपने खाते को फ्लेक्सी डिपॉजिट करवा के रखें, MOD यानी मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट करवा के रखें, जिससे कि आपको बिना किसी रिक्वेस्ट के आपके खाते से एफडी बनती रहेगी। जब जब आपको पैसे की जरूरत होगी तब आपकी एफडी ब्रेक होती रहेगी। इससे आपका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपने बचत खाते पर ही एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपको एफडी का बराबर का ब्याज मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।